पहली बात तो हम लोग की पढ़ाई में कोई तकलीफ नहीं हो रही है। और जो पुलिस आ जा रही है तो वहाँ जो मेन ऑफिस है उसमें उन लोग आती जाती पूछताछ करती हैं और वगैरह वगैरह वीडियो बना के ले जाते हैं और ऐसे कुछ सवाले पूछते हैं सब। अच्छा, जब पता चला तो कैसा क्या लगा कि यार ये कैसे हो गया, क्या कुछ बात? पता हम लोग में जा रहा था उसमें बरेली शरीफ, तो कुछ पुलिस आए तो हम लोग को रोक दिए, बोल कहाँ जा रहे हो तुम लोग, तो हम लोग को पता नहीं था ये सब मामला, तो फिर हम लोग को सब रोक दिए, गेट बंद कर दिया गया, तो बोले बैग चेक कराओ, तो हम लोग बैग अपना चेक करवाए थे, तो फिर जब बैग में कुछ नहीं मिला तो बोले ठीक है जाओ, तो पता चला ये लड़का इस तरह से कांड किया है, तो इस और हम लोग को इल्म नहीं इसके बारे में। अच्छा, कुछ किताबें भी मिल रही हैं यहाँ से और इस तरह से उसको देख रहे हैं, और क्या एटीएम भी यहाँ पे आई? ये किताब यहाँ पढ़ाई नहीं जाती है, पता नहीं ये किताब कहाँ से मिली है ना मिली है, और ये इस किस्म की किताब यहाँ नहीं पढ़ाई जाती है। देखिए, कोई भी जांच आ रही है या मीडिया वाले आ रहे हैं तो उनसे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं है, बच्चे अपना पढ़ रहे हैं, पढ़ाई उसी तरह चल रही है और बाकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कोई भी जांच आती है तो ऑफिस में आती है और ऑफिस में जो पूछताछ किया जाता है उसका जवाब दिया जाता है। कुछ आप लोग से भी कहा जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है, कुछ बोला जा रहा है? देखिए, हम तो यहाँ देख रेख का काम करते हैं और बाकी जो जांचें आती हैं या पुलिस वाले हों, कोई भी हो, अगर कुछ आता है, कोई आते हैं तो जो भी सवाल करते हैं उसका जवाब दिया जाता है और बाकी यहाँ बच्चों को कोई तकलीफ नहीं। एक किताब भी यहाँ से मिली है जिसमें आरएसएस के बारे में कई चीजें लिखी गई हैं, तो क्या ऐसी किताबें यहाँ पढ़ाई जाती हैं या ये उसके मिले रूम से? नहीं, ऐसी कोई किताब यहाँ नहीं पढ़ाई जाती है। और वो किताब, वो जो मास्टरमाइंड जिसको अब्दुल जाहिर बता रहे हैं, वो अगर रखता रहा हो तो उसके बारे में हमें इल्म नहीं, हमें पता नहीं है। अच्छा, आपने बताया कि आप यहाँ कई सालों से हैं, तो क्या उससे कभी कोई ताल्लुकात उसको जानते थे या कैसे क्या व्यवहार था आपका उसका? नहीं, हम तो यहाँ सन 2012 से हैं, अब उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। वो यहाँ पढ़ा, पढ़ने के बाद आलिम का कोर्स किया, उसके बाद फारिग हो गया, फरागत के बाद वो चला गया, फिर अपना कई कारोबार करता रहा, फिर प्रिंसिपल साहब से उनका क्या ताल्लुकात था, वो रीशन के थे या क्या थे, कैसा ताल्लुक था, वो हमें नहीं पता अच्छा, है। कहा जा रहा है कि वो मौलवी बनने वाला था कुछ ही दिनों में, तो किस तरह से ऐसा आप लोग पर्सनली कैसे देखते हैं इस बात को कि क्या ये ठीक किया उसने या गलत किया? नहीं, ठीक तो नहीं किया उसने, गलत किया, अगर ऐसा किया तो बहुत गलत हुआ। पढ़ाई में तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, जो एजेंसी आ रही हैं वो अपना दफ्तर में रहती हैं और इधर उधर की वीडियो अपना बनाती हैं, पूछताछ करती हैं, वो चली जाती हैं, और बाकी हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो बच्चे पकड़े गए थे किस आप लोग का कौन सा ताल्लुकात था, क्या कोई नहीं, बात हम है? लोग का किसी किस्म का ताल्लुक नहीं था, और वो जो पकड़े गए हैं वो तो दो बाहर ही के हैं, यहाँ पे वो कभी नहीं आए हैं ना पढ़े हैं ना यहाँ, उनका आना जाना ताल्लुक भी नहीं था। अब्दुल जाहिर नाम का जो लड़का है वो कभी आता जाता था, पहले तो वो रूम बाहर ही लेके रहता था, कुछ दिन से यहाँ मतलब आने जाने लगा, ताल्लुक था पहले भी आता था लेकिन बाहर ही रहता था, यहाँ नहीं रहता था, और कुछ दिन से यहाँ रहने लगा है तो अपना कोई ज़रूरी चीज़ होती थी तो आना जाना उसका ऊपर रहता था, अब क्या अंदर रखा है क्या नहीं ये किसी को नहीं मालूम था। पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई ठीक है, अभी थोड़ा बच्चे कम है इसलिए थोड़ा अपने से हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं, बच्चे आ जाएंगे फिर पढ़ाई अच्छे से होने लगेगी। अच्छा, एक कोई किताब भी मिली थी किस तरह से उसको आप लोग जानते हैं, क्या क्या ये पढ़ाया जाता था या नहीं? नहीं, वो जो किताब है उसके बारे में हम लोग को कुछ इल्म नहीं है, और उस तरह की किताबें कोई पढ़ाई भी नहीं जाती हैं। अब वो जो लड़का है अब्दुल जाहिर, अगर वो रखा हो या और कोई लाया हो तो इसके बारे में मुझे इल्म नहीं है। हमारे साथ मोहम्मद आमिर साहब हैं जो इस मदरसे के क्लर्क भी हैं। सर, जांच एजेंसियों ने अपना जो शिकंजा है वो कसना शुरू कर दिया है, तमाम जो दस्तावेज हैं वो उसको खंगाले जा रहे हैं, अभी तक क्या जानकारी आप लोगों ने इनको उपलब्ध कराई है? मतलब ना, वो टीचरों की लिस्ट, लड़कों की लिस्ट, उनका आधार कार्ड और जो मुलाजमीन का आधार कार्ड वगैरह सब दिया गया, बैंक बैंक अकाउंट के पासबुक वगैरह। देखिए, ये बैंक अकाउंट्स हैं, पासबुक हैं, और इसको भी जांच, इसकी भी जांच की जा रही है, ये इंडियन बैंक है इस। अच्छा, ये बताइए कुल कितने अकाउंट्स थे? तीन। तीन अकाउंट जी, किन किन बैंकों में हैं? बीओबी में है, जांच रंजन में। अच्छा, और इंडियन बैंक में है, उसी के बगल में एसबीआई है। तो इन बैंकों में कुल कितनी रकम है, कितने का ट्रांजैक्शन हुआ है? लगभग 40 लाख। 40 लाख रुपए। तो हर चीज का जो आप ब्यौरा दे रहे हैं यहाँ पर जी।
आपके जो कार्यवाहक मौलवी साहब थे उनके कमरे से कुछ आपत्तिजनक चीजें मिली हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उनको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आरएसएस से जुड़े हुए जो कुछ आपत्तिजनक जो किताबें थी वो मिली हैं। देखिए, न नोट में न आपत्तिजनक उसमें, किसी में भी समझ में नहीं आता कि वो इतना सीधा आदमी ऐसा करेगा, क्योंकि वो मेन आदमी वही था, वो क्या नाम उसका, अब्दुल ज़ाहिर। ये अब्बा के वो डेथ के बाद में बिल्कुल अनकॉन्शियस से रहने लगे जो मौलवी साहब थे। हाँ, ये जो तफ़सीरुल आरिफ़ीन, हाँ, तो ये अब दोस्ती यारी में उनके वहाँ कमरे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम लोगों को कोई इत्तला नहीं। कभी आप लोग उनके कमरे में नहीं जाते थे? हम लोग नीचे से ऊपर देखना नहीं चाहते थे। अच्छा, क्लासरूम में वो क्या पढ़ाते थे, बच्चों को क्या पढ़ाते थे? आते थे बस, थोड़ी देर बैठे चले जाते थे। तो फिर उनकी कमरे से इस तरीके की किताबों के निकलने का क्या मतलब निकाला जाए? कुछ समझ में नहीं आता, हमारे समझ में नहीं आता कुछ। देखिए, सिर्फ एक नादानी नहीं हो सकती है कि किसी के कमरे से नोट छापने वाली मशीनें मिले, आरएसएस और तमाम जो संगठन है उनको आतंकी बताया जाए, आपत्तिजनक जो कंटेंट्स हैं वो मिले, बहुत सारे स्पीड पोस्ट के कुछ पर्चे भी मिले हैं। वो स्पीड पोस्ट कहाँ किए जाते थे, क्या हम लोग जाते ही नहीं थे ऊपर, हम कैसे बताएंगे क्या होता था? देखिए, उनके फादर के यहाँ पर मजार है साइड में। देखिए ये बात गले नहीं उतर रही है कि एक ही इमारत है, इमारत के छत के नीचे आप लोग मदरसा चला रहे हैं और ऊपर बिल्कुल फेक करेंसी की फैक्ट्री चल रही है। उनकी अम्मा रहती थी, वो रहते थे और कोई नहीं रहता था, और ऊपर कोई ज्यादा भी नहीं था। बातचीत के दौरान कभी कुछ जाहिर नहीं हुआ? किससे बातचीत हुई जब आप लोग की? भाई, वो प्रिंसिपल है तो मुलाकात ही, मुझसे तो मुलाकात का कोई सवाल ही नहीं है। मैं चुप यहाँ बैठा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, वो कहाँ है। हाँ, कभी कभी जो है तो। अच्छा, इस मदरसे को डोनेशन कहाँ कहाँ से मिलता था, इसकी जानकारी क्या? चारों तरफ से आता है वो डोनेशन, क्या चेक के माध्यम से आता था, कैसे आता था? नहीं, वो बाई मनी ऑर्डर भी आता है। हाँ। बाई ट्रांसफर भी आता है, SBI में ट्रांसफर कर दिया। ये इन सारे पासबुक्स में उसकी डिटेल होगी? SBI से तो आपको वो निकालना पड़ेगा स्टेटमेंट। SBI का जो खाता है वहाँ पर ये जो डोनेशन आता था। हाँ, और दो खातों में? और खातों में वो यहाँ से जो रकम आई वो जो है तो बैंक भेजी गई, उसके बाद में फिर रकम का स्रोत क्या रहा है? ये 40 लाख रुपए स्रोत कहाँ से, क्या ये भाई? अब ये तो बिल्कुल यहाँ तो जिन्होंने इस मदरसे को कायम किया था ना, उनके पूरे इंडिया में जो हैं बहुत सारे शिष्य हैं। शिष्य समझते हैं ना, गुरु गुरु चेला का मामला है। तो वो कोई ना कोई जो है, कहीं अगर 1000 रुपये भेज रहा है, कोई 2000 भेज रहा है, कोई 10000 भेज रहा है, ऐसे भेजते रहते हैं।